ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब तुझे ये तत्वज्ञान परिचित हो जावे, तत्वज्ञान तत्वदर्शी संत से, उसके बाद इस उलझे हुए अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी वृक्ष को और तत्वज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, तत्वज्ञान रूपी शस्त्र यानी परमात्मा अपने सब आयुध है, सब आयुध माने अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से सुसज्जित है और उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस काट कर उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को हटाकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद ये प्राणी फिर लौट कर संसार में नहीं आते। उसी का यहाँ प्रमाण है कि परमात्मा एकता आप अपने वास्तविक नाम का से परिचित कराएं। आपका वास्तविक नाम क्या है और कौन सा पूजा का विधि है और आप अपने आप तो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से युक्त हैं, आपके पास तो वो हथियार है जो एक ज्ञान को सुलझा सकता है। अब देखो 17वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र 16 में इतना ही हमने काफ़ी है कि आप अपने तत्वज्ञान रूपी आयुध यानी शक्ति से हथियार से सत्सर से संपन्न है उसके द्वारा आप काट के अपने सरोपरी रहस्य यानी गुप्त वास्तविक रहस्य में श्रेष्ठ नाम क्या है उसका ज्ञान कराएं। यहाँ देखिएगा इसमें वास्तविक नाम बताया 17वें में कि शिशुम जो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा जब उत्पन्न होता है फिर से धीरे धीरे बड़ा होता है तो ज्ञानम यानी प्रगट होकर अपने ज्ञान का प्रचार करता है। जो अत्यंत कमनीय है उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और सुभंति उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं और विद्वान लोग वहीन उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गुणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब देखो ये देखा कबीर हम इसको कबीर भी बोलते हैं, जैसे पुनर को पुनः भी बोल सकते हैं, पुनर भी बोल सकते हैं, पुनर इसको कबीर बोले तो भी न्याय संगत है। जैसे यहाँ ये है कबीर गिरभी, ये ऊपर छोटा रहे, इस भी का ऊपर भी छोटा रहे, इन्होंने इसको दो भागों में कर दिया। यहाँ पर इन कबीर को कवि दो अपसर्ग लगा दिए, हम इसको कवि ही भी बोल सकते हैं, हम इसको कबीर भी बोल सकते हैं, हलंत वाला रहे कबीर। और गिर भी माने इन्हीं के द्वारा वाणी, इन्हीं ने अनुवाद किया है गिर भी माने वाणी द्वारा कबीर, हम इसको यूं का यूं ले लें कबीर गिर भी, कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा कावेना कवि, आय हाय
और संत सोम पवित्रते पवित्र अत्यति रेभन, रेभन सन का अर्थ ये करते हैं, और सोम का अर्थ है, सोम पवित्रम का अर्थ है सोम स्वरूप पवित्र वह परमात्मा, और रेभन सन गर्जता हुआ अत्य अतिक्रमण करता है। अब बात चल रहा है वाणी का और जा रहे हैं अतिक्रमण पर। रेभन सन माने गर्जता हुआ, गर्जता हुआ वो अपनी ऊंची आवाज में कविताओं द्वारा, काव्यन माने कविताओं से, काव्यन कविताओं से के द्वारा बोलता है। अब 18वें में और कमाल कर दिया, ये देखो, ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा सहसरणित है पदवी कवि नाम है, तृतीय धामम महिष्य शिष्य संत सोम है विराजमानो राजति सतुप। इसका अर्थ है कि जो कवि वो परमात्मा कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरवी कबीर वाणी हम लोग कहाँ लिखते हैं, कबीर वाणी द्वारा यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपनी महिमा ऊंचे स्वर में बोलकर बोलता है, सुनाता है सबको खड़ा होकर के, और उस ऋषि द्वारा, ऋषि मना ये ऋषि कृत, वो ऋषि या संत रूप में प्रकट होने वाले परमात्मा द्वारा सहस्रणित यानी हजारों असंख्यों वाणी जो बोली जाती हैं वो ऋषि मना सवरसा यानी ऋषि स्वभाव वाले भक्तों के लिए वो वाणी बहुत ही आनंददायक होती है सवरसा, और पदवी कवि नाम उस कवियों लोकोक्तियों के माध्यम से वो वाणी बोलने के कारण वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक पदवी प्राप्त करता है, कवि पदवी कवि नाम है। और तृतीयम धाम महिष है, उस तीसरे धाम की महान पृथ्वी पर वो परमात्मा, वो संत रूपी भगवान जो संत रूप में आता है वो उसमें विराजमान है तीसरे धाम। अब इनके द्वारा अनुवाद देखिए, ये 18वें मंत्र का अनुवाद है, क्या अनुवाद करते हैं, सोम स्वरूप परमात्मा यानी चंद्रमा जैसा शीतल भगवान पालन की इच्छा करता हुआ, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए, ये समझ लो 15वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 16-17 में भी ये ज्ञान है। वह सोम स्वरूप परमात्मा अमर भगवान पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, इन इसमें लिखा अनुवादकर्ता ने, इस तृतीयम धाम का अर्थ सीधा बना है वो तीसरे धाम में, तृतीयम धाम का अर्थ बनता है तीसरे धाम में। इन्होंने क्या लिखा, देवयान और पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, बस यही समाप्त कर देना चाहिए था। इन्होंने अपनी अज्ञान सोच अड़ा दी, जो ज्ञान योगी है उसको, ज्ञान योगी का इसमें क्या मतलब था, इसका सीधा अर्थ बना है कि वो परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, मैं विराजमान है, विराजमान है यानी वो एक देशीय है और उसको प्रकाश करने वाला है, सतुमान है। कवि नाम पदवी जो कान दर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, देख कवि नाम पदवी इन्होंने उड़ा दिया ना ज्ञान को, पदवी स्थान है, और सहसरणित है अनंत प्रकार की सत्वनीय है, अनिथ माने सहसरणित होता है हजारों प्रकार की वाणियां हैं। ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा है जो ऋषिकृत सब ज्ञानों का प्रदाता सवरसा सूर्य आदि को प्रकाशक वह जिज्ञासु के लिए उपास रही, कोई बात है इन तड़ंगा करने का ठेका ले रखा था। इसका सीधा अर्थ है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में। देखो एक लोक तो ये है ब्रह्म का, 21 ब्रह्मांड का, ये भी इसका धाम है, लोक है, स्थान है, धाम कहो चाहे स्थान कहो, और दूसरा ये सात संग ब्रह्मांड परब्रह्म का है,
और इनसे तीसरा जो धाम तीसरा स्थान सतलोक है जहां परमात्मा कबीर जी रहता है, और वहां से चलकर वो परमात्मा यहां आता है और अपने ज्ञान को ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान ही। अब आपको दिखाते हैं इस नकली महर्षि के द्वारा परमात्मा कबीर जी के बारे में, परमात्मा के बारे में क्या व्याख्यान किया है। तो इससे सिद्ध होता है कि कह कह का नहीं बताता भगवान के बारे में। ये देखो सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ये लिखा गया, इसका अनुभव है। अब देखो ये नौ थे महर्षि। अब इस पोज ने देख के आदमी ने सोचा भाई कमाल है, महाराज जी के तो भगवान से को छू चुका है, और आदमी आप पर प्रभावित हो जाए इनकी इन अदाओं को देखकर। तो पहले तो हम हमें ज्ञान नहीं था इसलिए हम इनसे प्रभावित थे, प्रदीप थे, इनको हम बिल्कुल बालक समझते हैं, बालक। ये देखो सत्यार्थ प्रकाश, ओम सत्यार्थ, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणी, यानी वेद आदि सदशास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना श्री यु बड़े पूछ के उपवाला रखी महर्षि दानंद सरस्वती ने की है, इसका ये अर्थ है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक वैदिक यति मंडल दान मठ दीनानगर पंजाब। छपा कहाँ से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक। ये यहाँ से छपा है। इसके 11वें समुलास में प्रश्न नंबर 306 पर ये देखिएगा, अष्टमों समुलास ना एकादश समुलास है, सत्यार्थ प्रकाश है, 306 पृष्ठ पे। अब परमेश्वर के बारे में क्या बताया है इस अज्ञानी महर्षि ने? प्रसन्न है कबीर पंथी तो अच्छे हैं, स्वामी जी कहता नहीं, दानंद जी कहते नहीं, कबीर पंथी अच्छे नहीं हैं। प्रसन्न क्यों अच्छे नहीं हैं? वो तो पाषाण आदि मूर्ति का खंडन करते हैं, और कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध, जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानता है। सच्चा रास्ता है सो कबीर ने ही दिखलाया है, इसका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। अब प्रसन्न करता बात बहुत सत, बहुत कुछ ठीक बोल रहा है, और स्वामी जी क्या अड़ंगा कर रहे हैं उत्तर देते हुए, नहीं पाषाण तो को छोड़, वो तो पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊ जोत, यानी ज्योति जलाते हुए, यह भी गलती करते हैं, दीप ज्योत अर्थात दीप जो हम ज्योत जलाते हैं उसको भी स्वामी जी नकार रहे हैं कि वो गलत करते हैं। आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से नून नहीं, यानी वो तो पाषाण को पत्थर तो छोड़, पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं और ज्योत की भी पूजा करते हैं जो पत्थर मूर्ति से भी क्या घटिया नहीं। क्या कबीर साहब बनोगा था वह कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और फूल ही अंत में फूल हो गया। यहाँ यह जो बात सुनी जाती है वह सच्ची होगी। देखो पहले तो विद्वान की परिभाषा यहीं खत्म हो जाती है, जो संभावना व्यक्त करता है क्लियर नहीं करता बात ने। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि जो ये बात सुनी जाती है या ये सच्ची होगी, तो इनका लिखने का अधिकार नहीं है जो कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकता। एक फाइनल करना कि ऐसा है, तो पहले तो यहाँ दोगलापन और फिर आगे कमाल ही कर दिया इसने। सुनी जाती है वही बात सच्ची होगी, वही सच्ची होगी। कोई जुल्हा काशी में रहता था, उसके लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में रात चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा लाया, अपनी स्त्री को दे दिया, उसने पालन किया। वह बड़ा हुआ तो जुलाहे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा,
परंतु किसी ने न पढ़ाया, तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। और तरह गजब भैया तमूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेषकर पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए और जब मर गया तो तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो जो उसने जीते जी शब्द आदि बनाया था, जो मतलब लोगों कविताएं बनाई थी, उसको उसके चेले पढ़ते थे। वारे महर्षि, अब देखो आ गया ना तोड़। अब वेद कहते हैं वो परमात्मा होता है और अपनी महिमा का ज्ञान वो ऊंचे स्वर में बोल बोल कर कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से वो एक महान कवियों में से भी एक कवि भी प्रसिद्ध होता है। लेकिन वो होता है भगवान, वो अमर पुरुष होता है और वो परमात्मा अपनी महिमा को ऊंचे स्वर में गरज गरज के, क्योंकि ढोल के डंके पर बोलता है, सबको ठोक के सुनाता है। ये तो वेद कहते हैं वो ऐसा ही करता है। और स्वामी जी उस परमात्मा को ना पहचान कर महर्षि दानंद जी भगवान के विषय में बोल रहे हैं कि वो भगवान नहीं था, यानी लाल को नहीं पहचान सका और कौड़ियों की गठड़ी बंधवा दी भोले समाज को कि ये लाल है। अपनी अज्ञान सोच परमात्मा निराकार है और फिर दूसरी अज्ञान सोच के सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, ऐसे ही सब पशु पक्षी भी रहते हैं, वहाँ बाग बगीचे भी हैं, वहाँ इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं। ये विद्वानों की बात, ये खगोल भगोल के बारे में जान। सूर्य के ऊपर आदमी कोई कहे मनुष्य रहता है, कलेजा हिल जा जब होश में होता है, ये भांग पिया करता था, उसके नशे में ये बातें लिखी। और इन्हीं बातों का ये जो ज्ञान दास ने इस अज्ञानी के ज्ञान के अज्ञान की पोल खोल दी। और जो सत्यार प्रकाश बेच कर रोटी खा रहे थे उन आचार्यों को भगदड़ मच गई, उन्होंने भोले समाज को भ्रमित किया, रामपाल झूठ बोलता है, महर्षि की आलोचना करता है और ये क्रोथाकांड करा दिया उन दुष्टों ने। उन्होंने तो सोचा था ये काम तमाम हो जाएगा, इतना बदनाम कर दे रामपाल को कि इसके चेले भी बाज जा, सुने नहीं इसकी बातों को, सारा समाज इसको नफरत करे है। तो उन्होंने ऐसा सोचकर ये जुल्म करवा दिया। लेकिन वो भूल गए थे कि अब मानव समाज 200 वर्ष पुराना नहीं रहा, शिक्षित है, और दास ने ऐसा रंग रखा है कि सारी पृथ्वी एक तरफ और दास का अनुयायी एक तरफ, ये तस से मस नहीं हो सकते। दास का पूरा काम हो चुका है, ज्ञान खोल गदर दिया, पूरे विश्व में तूफान आने वाला है कुछ दिन, हम देख लेना इस तत्व ज्ञान का। इतना प्रचार, इतनी पुस्तकें समाज में भेज दिया कैप्सूल, अब पढ़ पढ़ कर चक्कर काटते आते हैं वो भोली आत्मा, उत्तर मर गए थे, कहाँ था ये ज्ञान अभी तक। और परमात्मा अपने विषय में खुद कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कया हम हेल रे, हमने भी आवाज देकर रुक के मार मार कर कहा, हीरे माणत मोती ही बरस ये जग चुगता डेल रे। हम वो यथार्थ ज्ञान रूपी सत भक्ति रूपी मोतियों की वर्षा कर रहे हैं और ये भोली आत्मा इन अज्ञानी ऋषि महर्षि संत और गुरुओं के अज्ञान से परिपूर्ण होकर के इन कौड़ियों की गठड़ी बांध कर वजन उठाए फिरते हैं कि हमने बहुत कुछ कमा लिया और लाल को ठोकर मार रहे हैं। संजा है तो सिर दर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा दाओ, बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में जुलाहे रूप में 120 वर्ष तक रहकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। परमपिता परमात्मा कबीर जी कबीर साहब, ये हम सब आत्माओं के एकमात्र मालिक हैं।
ये वही परमेश्वर है जिनका गुणगान सभी सदग्रंथ करते हैं। लेकिन उस परमात्मा के विषय में कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान न चारों वेदों में, न गीता जी में और न ही पुराणों में। वो कंप्लीट ज्ञान देने के लिए स्वयं ही परमेश्वर, कंप्लीट नॉलेज देने के लिए वो परमेश्वर स्वयं ही आए और उन्होंने 600 वर्ष पूर्व अपनी अमृतवाणी में वो यथार्थ ज्ञान लिपिबद्ध करवाया। लेकिन उन नकली गुरुओं ने, डुप्लीकेट महर्षियों ने इस ज्ञान को हमें, हमारे तक नहीं पहुंचने दिया। उसका कारण ये था कि वो ये डुप्लीकेट महर्षि और नकली गुरु लोग ये कहते थे कि वेदों का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और कबीर जी जो हैं वेद ज्ञान के विपरीत बता रहे हैं। फिर कहते थे कि गीता जी और पुराणों का ज्ञान श्रेष्ठ है और कबीर जी अशिक्षित हैं, अक्षर ज्ञान नहीं है इनको, संस्कृत नहीं जानते, संस्कृत भाषा से अपरिचित हैं, इसलिए ये सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो हम सभी इस बात से संतुष्ट रहे क्योंकि कबीर जी अक्षर ज्ञान नहीं जानते, अक्षर ज्ञान नहीं था कबीर परमेश्वर जी को। अब ये कहते हुए भी हमें शर्म आती है, लज्जा आती है कि हम कबीर परमेश्वर को ये कहें कि उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से ही हमने एक बार परमेश्वर को उसी तरह से सेट करके आगे चलना पड़ता है। वो तो सब भाषाओं के ज्ञाता, सब अक्षरों के ज्ञाता, उनको कलम उठाने की आवश्यकता नहीं, वो जो चाहे जिस भाषा को अपनी शक्ति से, अपनी ईश्वरीय शक्ति से वो सब पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। एक बार एक राजा, एक बार एक मंत्री को सजा देने के उद्देश्य से उससे, उसको राजा ने कहा कि उसमें एक बैलगाड़ी में लगभग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ये पैड होती थी, बही बोलते थे पहले, एक बही होती थी, उसको ऐसे खोल दिया जाए तो लगभग 2-2.5 फुट का कागज बन जाता था, चौड़ाई उसकी 9 फुट के आसपास होती थी। तो हजारों की संख्या में बही रख दी एक बैलगाड़ी में जितनी उसमें आई और कहा इनको एक दिन में लिखवा के वापस ला। अब वो मंत्री साथ में एक दो नौकर दे रखा, वो जा रहे थे, वो रो रहा था बैठा बैठा कि आज ये नहीं लिखवाई गई तो ये राजा हमें सजा देगा, भयंकर सजाएं देते थे। तो उस समय परमेश्वर कबीर जी वहां पहुंच गए, उससे पूछा भाई क्यों रो रहे हो भक्त। उसने अपनी सारी कहानी बताई। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी सोटी उस बहियों का, एक बही का एक बार मार दी, एक बही का, और कह दिया इस समय भाई ये पूरी लिखी गई है, ले जा वापस। अब जो ही उस व्यक्ति ने खोल कर देखा, सभी बही भरी पड़ी है और इस कबीर वाणी से, वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, वापस लेकर आया। राजा ने पूछा ये किसने लिखी है, ये कहाँ से लाए तुम कलम और इंक। उसने बता दिया ऐसे ऐसे कबीर नाम का जुलाहा है, उसने ये लिख एक सोटी लगाई थी और सारी लिखी गई। तो उस राजा ने अपने
वो मुसलमान धर्म से संबंधित था, अपने गुरु पीर बुलाए और कहा कि पढ़ कर देखो इसमें क्या लिखा है। तो कबीर वाणी के अंदर तो इन मुल्ला और काजियों को लताड़ रखा है, तो उन मुल्ला काजियों की वो सिट्टी फिट्टी गुम होगी। उन्होंने पर उस राजा से कहा कि इसके अंदर तो अपने हिंदू धर्म के विपरीत बहुत कुछ लिखा है, ये इसको समाप्त कर देना चाहिए। राजा ने वो सारी की सारी दरिया में डलवा दी। अपने आत्मा उस समर्थ की समर्थता को हम कहाँ तक जान सकते हैं? उस परमात्मा, वो परमात्मा सब भाषाओं के ज्ञाता है और वो परम परमेश्वर है। तो ये हमारे हृदय में, हम ये भी नहीं कह सकते कि परमात्मा अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञानी युक्त नहीं थे, लेकिन उस समय हम ये मान लिया कि कबीर जी ऐसे अक्षर ज्ञान नहीं जानते और ये हमारे जो ब्राह्मण गुरु जी हैं ये संस्कृत भाषा के परिचित हैं, इसलिए कबीर जी जो बोल रहे हैं वेद ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के विषय में ये गलत है। तो ये धारणा अभी तक बनी हुई थी, इसी कारण से इन नकली डुप्लीकेट ऋषि और गुरुओं ने इस यथार्थ ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया। अब कबीर परमेश्वर जी ने इस दास के ऊपर रजा बख्शी है, मेहर की है। अब वो परमेश्वर की 600 वर्ष पहले लिखी हुई वाणी आज सभी सदग्रंथों से मेल खाती है। तो अब हम इस यथार्थ ज्ञान को पहचानेंगे, समझेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे, हम मोक्ष हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने ही आकर के हमें ये यथार्थ ज्ञान देना पड़ा, क्योंकि काल भगवान नहीं चाहता कि ये ज्ञान जन साधारण तक पहुँचे। इसका प्रमाण आप सुबह देख चुके हो कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान और ना शंकर जी को ज्ञान, और न ही किसी ऋषि महर्षि ब्राह्मण को ज्ञान, जिनको हम तोब समझा करते भी बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़े महर्षि थे। अब वही हमारे पवित्र सदग्रंथ हमारे समक्ष हैं, हम शिक्षित हैं और हम अपनी आँखों से उन को देख सकते हैं और परमेश्वर द्वारा दिए गए उस ज्ञान से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। आज सुबह के सत्संग में आपको बताया गया था कि शिक्षा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में केवल एक वर्ग था जो शिक्षा ग्रहण करता था और उनकी सेवा, उनकी ड्यूटी लगा रखी थी। उनका कार्य था कि वो सदग्रंथों को पढ़ें, उनको समझें और जन साधारण को अपने मौखिक ज्ञान द्वारा उनको समझाएं। तो जिस कारण से हम अपना धंधा करके, जिसका भी जैसा व्यवसाय था, कार्य अपना करते थे, संत अपने परिवार का पोषण करते थे और प्रभु की साधना किया करते थे, जैसा भी उन ऋषि महर्षियों ने हमारे को बताया गया था। अब शिक्षा का विशेष लाभ हमें अब मिला है कलयुग में, और इसकी हानि भी बहुत है। हानि यह है कि हम इतने काग बन गए इस ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने से कि हम ओवर क्लेवर हो गए, ना बाण भाई का प्यार रहा, ना मात पिता की सर के प्रति श्रद्धा रही, और केवल माया माया जोड़ने की हमने एक होड़ लगा रखी है। बड़ी कार हो और अच्छा खूब धन हो, एक दूसरे से हम अपने अक्षेत्र में माया के कारण प्रभु बन जावा, और ये आज से सैकड़ों वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
और सभी चैन से रहा करते थे। खेतों में घर में झोंपड़ियां डाल रखी थी, खूब बढ़िया फलदार वृक्ष हुआ करते थे। कहने का भाव ये है कि थोड़ा सा मकान बना के गर्मी सर्दी से बचने के लिए वो हमें बहुत पर्याप्त है, क्योंकि गर्मी सर्दी वर्षा ओलों आदि से बचने के लिए एक छोटा सा अपना एक घोंसला बना लेना होता है। हम क्या करते हैं कि माया सारा दिन लूटम लूट रहते हैं, मेरी झूठ बोलना कि तो दो नंबर तो बात करां, कहीं किसी प्रकार के धंधे करते हैं और फिर एक कोठी गाड़ देते हैं, एक कार ले लेते हैं, बस सारा दिन तो धक्के खाए, फिर वो सारा एक जगह कोठी पर ला दिया, पैसा बना दी चार मंजिल की, सोना एक एक कमरे में एक चारपाई पर आपने विश्राम करना होता है और बाकी शेष स्थान कोरी बकवाद है। तो वो पैसा और समय जो समय हमने बर्बाद किया पैसा खर्च कर इकट्ठा करने में, फिर वो महल बनाने में, वो व्यर्थ का है, वो व्यर्थ है। तो पहले ऐसा नहीं होता, पहले चंद राजा लोग या कुछ थोड़े बहुत मुट्ठी भर माया के पुजारी ही बड़े महल बनाया करते थे और वो महादुखी रहते थे। जहां माया है वहां चैन नहीं हो सकती। उदाहरण आपके समक्ष है, एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन था, जमीन थी, आपसी बंटवारे में उसी की पुत्री और दामाद ने उन सबको मार डाला, खत्म कर दिया, पूरा कुनबा काट दिया और वो स्वयं जेल में पड़े हैं। और वो माया कहाँ गई? पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें यही याद दिलाना चाहते हैं, माया की महिमा कहूं कनक कामनी काल, जिन चंपी सो खा लिए ये सिद्ध साधक बेहाल। तो परमात्मा हमें ये बताने के लिए आए थे कि तुम यहां के वासी नहीं हो, तुम सतलोक के वासी हो। यहां आप काल के द्वारा भ्रमित मिसगाइडेड हो और आपने इसी स्थान को जहां पर आप रह रहे हो उसको अपना मान लिया, किसी चाहे कोई कोठी में रह रहा है या कोई किसी झोंपड़ी में रह रहा है, तो आप उसी को अपना मान चुके हो। तो क्या बताते हैं परमात्मा? भाई आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाहें, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो वापस आकर हमें कोई ज्ञान दिया नहीं कि उन गेला के बनी, और जो शेष बचे हैं वो चले जाएंगे ऐसे ही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। साहेब मीन परमात्मा, भगवान। अब जैसे यहां साहेब का अर्थ थोड़ा सा हमने समझना पड़ेगा, जैसे हम परमात्मा की जब वाणी के अंदर विशेष आता है साहेब, तो हम पूर्ण परमात्मा को ही समझें, क्योंकि ये नीचे वाले भगवान राम नहीं है, ये नीचे वाले जो स्वामी हैं ये परमात्मा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये परमात्मा नहीं है, साहेब नहीं है। ना ब्रह्म कंप्लीट गॉड है, ना परब्रह्म कंप्लीट गॉड है। तो कंप्लीट गॉड जो है हमारा वही साहेब है, इसलिए यह संकेत उस साहेब की तरफ है जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम कहो, शाश्वत स्थान कहो, चाहे सतलोक कहो,
यानी सदा रहने वाला स्थान, उसको सतलोक कहते हैं। तो हमारा जो साहेब है वो परमात्मा कबीर जी है। अब यहाँ समस्या आती है इस दास के सामने कि ये दास ने बड़े स्वाभाविक भाव से कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये परमात्मा नहीं है, ये स्वामी नहीं है, यानी जो स्वामी हम सिद्ध करना चाहते हैं वो ये भगवान नहीं है। अब ये कहने से आम व्यक्ति को बहुत महसूस बुरा महसूस होगा कि भाई बड़ी बात कही जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है। ये सच्चाई है और आपको अभी प्रत्यक्ष करते हैं। हमारे भगवान ने तो बहुत पहले कहा हुआ था ये बातें कि चतुर्भुजी भगवान कहावें हर हट डोर बंधे सब आवें, ये कुट करता फिरता देखा हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। अब देखिएगा ये श्री शिव पुराण के अंदर कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, स्वामी नहीं है, ईश नहीं है, ये शिव पुराण में कहा गया है। ये है शिव पुराण, शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग एक। श्री शिव महापुराण इसके अनुवादक हैं विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित खेम राज प्रकाशन श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इतना अब इसमें एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तेरा बाप हूँ, विष्णु जी कहते हैं कि मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। फिर इस काल भगवान ने जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है उसने उनके बीच में एक खंभा खड़ा कर दिया, एक बहुत ही चमकीला। तो ये दोनों झगड़ा भूलकर उसको ढूंढने लग गए, उसके ऊपर नीचे के छोर को यानी एंड को, इनको कुछ पता नहीं लगा। फिर वो स्वयं ज्योति निरंजन काल शिव रूप में प्रकट हुआ। ज्योति निरंजन काल जो है शिव रूप में प्रकट हुआ और उसने उन दोनों को फिर क्या कहा ये देखिएगा। इसी शिव पुराण के अंदर जो अभी आपने देखा था इसके शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता 17 पृष्ठ विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 भाग 1 भगवान ने यहां देखो नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार। भगवान ने नमर हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुकरण करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उसको अपनी शक्ति से जीवित किया, जीवाकर उठाया। फिर क्या बोला वो, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं है। इस प्रकार उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हुए हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा विष्णु को कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु को ये ज्योति निरंजन काल शिव रूप धारण करके कह रहा है, तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने को भगवान माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको उसके दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया, अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ और मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। क्या कह रहा, मैं ही ब्रह्म हूं और मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है, सर्वव्यापी होने से मैं जगत
के वर्धक होने से ब्रह्मा हूँ, हे केशव ब्रह्म केशव क्षमता व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ, मैं ईश से सबका ईश हूँ, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। अब आगे देखना है क्या कहता है पुत्रो, ये 18 पृष्ठ पे, इससे मैं अज्ञात रूप हूँ, पीछे तुम्हें प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। और यहाँ देखो, हे पुत्रो, यह कृत आपने ब्रह्मा और विष्णु को बता रहे हैं कि सृष्टि और सतीथि का जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, जो तुझे दिया है तुम्हें, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने समय से विसार दिए, रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया। 19 पर रूप वेश कर्त आसन वाहन और आयुध आदि में हमारी साम्यता थी। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल हो जाता है, इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से आकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद, ये 5 उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ये 5 प्रकार से निर्गत हुआ, यह एक होकर ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। अब इस ज्ञान से हमें बहुत लाभ हुआ। एक तो स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई और शक्ति है जो शिव रूप धारण करके इन सभी को ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र को संबोधित कर रहा है और स्पष्ट कर रहा है कि मैं अब प्रगट हुआ हूँ, मैं गुप्त रहता हूँ और मेरा ओंकार ओम एक अक्षर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता भी ये काल है, ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है और स्पष्ट करा कि मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो इसको अंतिम समास तक सिमरण करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अभी दास ने एक शब्द कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, ये शब्द हमारे परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बोला था, जिसके ऊपर उन लोगों ने, उन नकली ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने पूरे मानव समाज को परमात्मा का शत्रु बना दिया था।
कि दुल्हा झूठ बोलता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता है। आज इस पवित्र शिवपुराण ने उसको समर्थन दिया परमात्मा की वाणी को कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है। परमात्मा कौन होता है? जो केवल सुख दे दुख ना दे, जो अजर अमर हो, जिसकी जन्म मृत्यु कभी ना हो, वही परमात्मा यानी ईश्वर परमेश्वर होता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनका जन्म मृत्यु होता है। अब यहां भी एक समस्या खड़ी हो जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये कैसे बोल दिया? अब दिखाते हैं, हमने बोला नहीं, ये पढ़कर सुनाया। अब देखो श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रक एवं प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे सकंद में ये कंसेप्ट क्लियर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनका जन्म और मृत्यु होता है। ये तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ, भगवान विष्णु दुर्गा की, अपनी माता दुर्गा जी की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म त्रोभाव मीन मृत्यु होता है, हुआ करता है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और त्रोभाव मीन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की स्थिति, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृत है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र सदग्रंथ ने कितना काम हल्का कर दिया श्रीमद् देवी भागवत ने। ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, जन्म मृत्यु होता है। दुर्गा इनकी माता है, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। पुण्यात्माओं, परमात्मा के ज्ञान को हमने नए सिरे से समझना होगा, स्वयं देखना होगा। पहले जो भी लोकवेद हमने सुन रखा है वो किम वदंतियां हैं, वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। जो किसी सदग्रंथ से नहीं मेल खाता वो ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान है। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी हमें आकर के समझाया कर, उन्होंने समझाया कि तुम इस देश के वासी नहीं हो, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा लोक सतलोक है और काल भगवान ने तुम्हें यहाँ भ्रमित करके इस झूठे सुख में आपको फंसा के रखा हुआ है, आपको कर्म आधार से बांध रखा है। भाई जैसे कर्म करेगा वैसा तुम्हें फल मिलेगा। और कर्म हम कैसा करते हैं? हम जितना भी कर्म करते हैं वो सारा पाप इकट्ठा करने का ही करते हैं, क्योंकि जो आत्मा की तड़फ है वो भगवान को चाहती है। मन का अपना कार्य है, वो यहाँ संसारिक सुखों को चाहता है।
और एक ही शरीर में ये दो एलिमेंट हैं जिनका आपस में स्वभाव में भी बहुत अंतर है। इसलिए ये प्राणी शुभ काम नहीं कर पाता। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे। अपने पेट के लिए घर से निकलते हैं और सारा दिन में करोड़ जीवों का की हिंसा करके हम शाम को बिस्तर पर विश्राम करते हैं और पुण्य कोई नहीं बन पाता, क्योंकि जो भक्ति साधना हम करते थे वो ज्ञान गलत, वो हमारा वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू शास्त्र नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो कोई गति होती है, ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक कर्म करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो पुण्यात्मा हम शास्त्र समझ नहीं सकते थे और जो वो शास्त्रों के ज्ञाता माने जाते थे वो कोरे अज्ञानी थे। इस करके ये बखेड़ा अभी तक चला रहा। अब परमात्मा ने ये क्लियर कर दिया है, अब इसमें कोई शंका नहीं रहेगी। अब हमें केवल भक्ति ही करनी है। अब यहाँ का विधान है कि तू जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो कर्म हम सारे शास्त्र विरुद्ध करते थे, साधना हमारी कोई बनती नहीं थी, पुण्य नहीं बनता था, कोरे पाप इकट्ठे करते थे। हमें पुण्य करने की व्यवस्था, पुण्य करने का मार्ग और करने का अवसर परमात्मा ही आकर प्रत्येक युग में देकर जाता है। तो उसमें हम सबकी बैटरी चार्ज कर जाता है लाखों और करोड़ों की। वो लाखों और करोड़ों की संख्या में जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आते हैं, ढेर सारे पुण्य वो परमात्मा करवा जाता है अपने एक ही समय के प्रकट होने पर। फिर धीरे धीरे बीच बीच में प्रकट होता रहता है, जिस कारण से आज तक यह भक्ति जीवित रही। नहीं तो पुण्यात्माओं इस काल ने ऐसा विनाश कर देना था कि राम नाम की कोई चीज आपके हृदय में नहीं होती, नास्तिक बना देता ये। जैसे पूरा चीन कंट्री जो है वो पहले महात्मा बुद्ध का अनुयायी था और महात्मा बुद्ध के बताए अनुसार उनको कोई आध्यात्मिक लाभ हुआ नहीं, इसलिए वो कम्युनिस्ट बन गया। कम्युनिस्ट मीन नास्तिक। और काल यही चाहता है कि ऐसे दूत भेज दूं, बात बनावे गणी, ज्ञान उनके पास हो नहीं, उनके द्वारा भक्ति विधि सही होनी और जनता उनके पीछे लग जाए, अपना जीवन नष्ट करके वो नास्तिक हो जाए। अब ये जितने भी पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी पंथ, सतगुरु पंथ, ये बालयोगेश्वर वाले, अंसादेश वाले, सतपाल जी वाले, ये सुधान शिव जी वाले, ये आसाराम जी वाले और ये निरंकारी वाले, ये वो पुण्यात्मा है इनके प्रमुख जो पहले कभी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में रहे थे, आज काल के हाथों फंस गए, ये पार नहीं हुए। इनको भेज दिया मिसगाइड करने के लिए और इनके सहारे ये भोली आत्मा इनकी मीठी मीठी बातों में, इनकी छोटे मोटे चमत्कारों में फंसकर अब उनके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ दिनों में देख लेना ये पंथों वाले सारे नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि सब टूट चुके हैं। भगवान के लिए निकले थे, उनकी वो ब्रांड माटी हो रही, किसी का कैंसर हो रही है, किसी का जो है ना वित्तीय हालत बिगड़ गई, पांच पांच गोली खाकर नींद नहीं आती, ऐसी दुर्दशा हो रही है और अब यहां आ रहे हैं। तो परमात्मा आते हैं तभी ये पुण्य बनवा के जाते हैं। जैसे अब जो साधना आप जी कर रहे हो, जिसने भी एक वर्ष भी साधना इस दास के द्वारा बताई हुई कर ली, सतनाम की और ये दूसरे मंत्र की, आप ना जाने कहां कहां कौन से लोकों में किस किस पद के अधिकारी बन जाओगे।
यदि आप नाम त्याग गए, काल के हाथों चले गए, तो आपको ऐसे खिलाएगा जैसे आप सोच भी नहीं सकते। आप ही का पुण्य, आप ही का जूता, आप ही के सिर पर। जैसे आप ही, आपने पढ़ा कि ब्रह्मा और विष्णु, तुमने ये दोनों जो पदवी पाई है अपने तप से पाई है और मैंने दी है, डले डोए तुमने और दी मैंने, यानी तुम्हारी मेहनत करी तुमने और दी मैंने, तुम्हारी ही कमाई तुम्हें प्रदान कर दी। जैसे बच्चा पढ़ता है MA BA BSc कर गया, कोई और ट्रेनिंग आदि कर ली तो गवर्नमेंट उसको जॉब दे देती है, लेकिन वो मेहनत परिश्रम उससे का किया हुआ प्रफुल्लित हुआ है। तो ऐसे ये आपको मूर्ख बना के और फिर आपके कर्म बिगड़वा देता है। जैसे ये जितने भी संत आए हैं, लाखों करोड़ों प्राणियों को मिसगाइड करने का दोष इन पर इतना गिर जाएगा कि कई लाखों वर्ष ये नरक में डाल दिए जाएंगे। आज ये अंडी पाके फिर हैं, आज ये किसी की नहीं सुनते, क्योंकि इनकी पिछले पुण्य चल रहे हैं और लाखों करोड़ों व्यक्ति इनको प्रणाम करने वाले श्रद्धालु हैं और ना जाने कितना दान का वो आनंद ले रहे हैं।